अब खबरें विस्तार से। एक्सएलआरआई में रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रविवार को एक्सएलआरआई प्रेक्षागृह में एनआईआईटी द्वारा ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन हुआ। इस दौरान दीक्षांत ग्रहण करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया एवं अपने अभिभाषण में उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। इस दौरान एनआईटी के शिक्षकगण भी मौजूद थे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, congratulate the parents, the teachers, the mentors and all those who in their own way have contributed in leading you on towards this auspicious day. Yet just as it is my joy to congratulate, it is also my duty to sound the warning bell. Whenever a goal post is reached, there is always a sense of achievement and relief that any hurdles on the journey have been overcome. Please understand, dear student, this relief is only momentary. This is not the destination, only the beginning of a great journey. There are stumbling blocks at every turn. We have absolute trust in you. वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी संस्था यूनिवर्सल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में भी राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया और अध्यात्म को जीवन का अभिन्न अंग भी बताया। अपने भारत के प्रति नमन का स्वागत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अभी महाकालेश्वर श्री बाबा का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। जबलपुर से आए हुए रानी बहन जी, मुजफ्फरपुर से आए हुए रानी बहन जी, यहाँ के कि बाबा के जंगल में बाबा के घर में एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा अनुभव होता है। मैं उसी अनुभव को, उसी वाइब्रेशन को लेने के लिए आई थी, कुछ बोलने के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ जो अपना रानी बहन शायद हाफ सेंचुरी से ज्यादा हो गया, परमपिता परमात्मा से वो अपने आप को मिलन बना रहे हैं। अपने यहाँ के परिचारिका बहन जी और भी, और जितने भी बहने, छोटे छोटे बहने मेरे से तो बहुत ही मेरे बेटी जैसे, वो लोग भी इतने दिनों से ये अपने पवित्रता के माध्यम से, अपने जोर बल से वो इतने अपने आप को महान बनाए हैं, वो इसी स्थान को इतने पवित्र बनाए हैं। इसलिए यहाँ
बाबा के बारे में या परमात्मा के बारे में बताना शायद मेरे लिए दुष्टता होगा, क्योंकि ये बच्चे इतने अच्छे जानते हैं मेरे से ज्यादा, मैं क्या बोलूं। नमन संस्था द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद सम्मान रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से रैली गुजरी। नमन संस्था द्वारा आयोजित शहीद सम्मान समारोह में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इससे पूर्व एक बाइक रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। बाद में एग्रीको मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। मैं अपने अंदर को ताकत को जब एहसास कर रहा था मित्रों, मैं दो बार नहीं पांच बार आज मेरे हे कर्मवीर हे कर्मश्रेष्ठ मझधार में जो मुख मोड़ गए हे अमर। क्योंकि वो उनका प्राण बचती है, तिल तिल कर प्राण शहीद झारखंड क्षत्रिय महासंघ द्वारा आयोजित पारिवारिक मिलन समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। झारखंड क्षत्रिय महासंघ द्वारा रविवार को गोपाल मैदान में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज के एकजुटता और समाज से गलत परंपराओं मसलन दहेज आदि को बाहर निकालने पर बल दिया गया। समारोह में बिहार के मंत्री अवधेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा समारोह में चंद्रगुप्त सिंह, शंभू सिंह, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, प्रवीण सिंह आदि मौजूद थे। महासचिव श्री एन के सिंह जी और झारखंड क्षेत्रीय महिला से यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आग्रह करता हूँ क्षत्रिय संघ के पहले तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम ओ सर उत्तराखंड में धन्यवाद धन्यवाद। यह सब दृश्य फिर कब देखने को मिलेगा? हमें जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो समाज का निर्माण अधूरा रह जाएगा, यह हम आपको बताना चाहते हैं। झारखंड हो, बिहार हो, देश का किसी कोने में हो, क्षत्रिय का एक इतिहास रहा है और क्षत्रिय की इतिहास देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव हम कुर्बानी दिया है, हमने इतिहास लिखा है। इस इतिहास में एक तरफ वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह को याद करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं, झांसी रानी को याद करते हैं, तो दूसरी ओर जो दुनिया को ज्ञान देने वाला इसी क्षत्रिय कुल में पैदा महात्मा बुद्ध, जिसको दुनिया उसके फिलॉसफी उसके इतिहास को याद करता है।